नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जौनसार बावत के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। गणेश गोदियाल बोले, 43 से 45 सीटें जीत कर बनाएंगे सरकार, हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री। हत्या के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, 8 साल पहले हुई भाई की हत्या का लिया बदला। हल्द्वानी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को दिया खोए हुए फोन का तोहफा, खिल उठे चेहरे। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोर पर, रास्तों से बर्फ हटाने में जुटे मजदूर। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महासु देवता के दर पर पहुंच कलहनोल और लक्सियार मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को महिला दिवस की बधाई देते हुए फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले लक्सियार के मंदिर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने जनजातीय रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में लोक वाद्य यंत्रों के साथ हारूल तांदी नृत्य भी किया। बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी हरोल के लिए निकले, जहां हरोल मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासु देवता के दर्शन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनने जा रही है। और से पिछले काफी समय से मैं सोच रहा था, पिछले लंबे समय से एक दो बार प्रोग्राम बनाया, आज आया आपके महाराज को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया है, ये सारी विघ्न बाधाएं जितनी प्रकार की सपने समृद्धि हो। सर, उत्तराखंड में क्या बीजेपी की सरकार रिपीट होगी? कितने सीटों से? पूरी 50% बहुमत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल पर बोलते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हमें 43 से 45 सीटें मिलेंगी और हम सरकार बनाएंगे। नतीजे आने के बाद पार्टी नेताओं और आलाकमान से चर्चा की जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन पूर्व हुई बैठक के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। कांग्रेस किसी प्रकार की चूक इस बार नहीं करना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून स्थित एक होटल में बैठक की। कांग्रेस का कहना है कि ये बैठक मतगणना की तैयारी और पोस्टल बैलेट पर स्थितियों को समझाने के लिए की गई है। पोल के बाद आप कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल में कुछ चैनल कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को आगे बता रहे हैं, पर हमें ये लगता है कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, परिवर्तन यात्राओं में देखने को मिला, हमने बड़े नेताओं की सभा भी देखी, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता आए उनकी सभाओं को भी देखा और अपनी सभाओं को भी देखा। उन सभाओं में जो लोगों का जो मिजाज था, उस मिजाज को समझने के बाद मैं तो बिल्कुल ये बात मान ही नहीं सकता हूँ कि किसी भी हाल में सरकार बनाने से इस बार हम चूक सकते हैं। हमें हम निश्चित रूप से सरकार बना रहे हैं, कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं और मेरा मानना है कि 43 से 45 सीटों के बीच कांग्रेस जीती। अच्छा, जनता और कार्यकर्ता लगातार बात हो रही है, लोगों का मानना है कि निश्चित रूप में ये जो चैनल बीजेपी को आगे बता रहे हैं वो ठीक है, उनकी उनके कार्य का हिस्सा है, वो उनको जो आया होगा रिजल्ट में जो सामने पूछा गया होगा तो उसके हिसाब से बोल रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल वोट में हम लोग आगे हैं और पार्टी को बड़ा फायदा होगा। हमने पहले ही बता रखा है, हमारा मैनिफेस्टो हमारे सामने है, हमने 4 मुख्य काम बता रखे हैं, वो सरकार में आते ही हम उन पर कार्रवाई शुरू करेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा तो एक ही उत्तराखंड की जनता से वादा था और आगे भी रहेगा कि सरकार में आने पर इस प्रदेश को हम जो बेरोजगारी का दंश हम झेल रहे हैं उस बेरोजगारी के दंश को समाप्त करना है, इस काम के लिए 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह निश्चिंत दिख रही है और सरकार बनाने का दावा कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और 4 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि कल उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे भी उत्तराखंड चुनाव नतीजों को लेकर पूरी तरह निश्चिंत दिखी और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बननी तय है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जताए गए भरोसे को लेकर उत्तराखंड की जनता का आभार भी व्यक्त किया।
देखिए एग्जिट पोल आ चुका है और निश्चित रूप से प्रदेश की महान जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है और निश्चित रूप से ये मजबूत सरकार बनने जा रही है। यहाँ तक तो उत्तराखंड की बात है, कांग्रेस पार्टी है, चुनाव जीत चुकी है, हम जनता का धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा जनता का आशीर्वाद मिला, चुनाव प्रचार के समय मुझे आने का अवसर मिला था और हमें विश्वास है कि पूरे देश में भी पांचों प्रदेशों में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान दिया है। देश की जो दिल्ली की अहंकारी सरकार बैठी है उसका अहंकार तोड़ने के लिए लोगों ने मतदान किया है। चार प्रदेशों में उम्मीद करते हैं पांच में से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में स्वयं सक्षम रहेगी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, और पांचवें प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी बदलाव निश्चित है और बदलाव निर्णायक भूमिका में कांग्रेस पार्टी आएगी। जो विषय हैं उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, आज के आने का यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है, तो भाजपा कौन से किस प्रकार के सपने ले रही है वो समझ से परे की बात है, तो कांग्रेस पार्टी की का पूर्ण बहुमत यहाँ रहेगा। बस नहीं, पूर्ण बहुमत से आ रही है, देवभूमि की जनता ने पहले ही तय कर दिया था, एग्जिट पोल के भरोसे न रहे, भाजपा का एग्जिट तय है। आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनावों की मतगणना को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तैनात सभी को पूरी संवेदनशीलता से जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ईवीएम की गणना के लिए कुल 14 टेबल प्रति विधानसभा के हिसाब से लगाए गए हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गणना के लिए 7 टेबल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही हर अवस्था को ध्यान में रखकर मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। चमोली जिले के वैरंगना में स्वरोजगार कर रहे राजेंद्र बिष्ट कैफे और मत्स्य पालन को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से काम किया गया है। वहीं इस घटना पर पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि राजेंद्र बिष्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा द्वारा ये द्वेषपूर्ण काम करके किसी का स्वरोजगार छीन लिया गया है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मंडल में मत्स्य विभाग द्वारा जो मुझे कैफे हाउस आवंटित किया गया था वो कल प्रशासन की शर्मनाक हरकत, मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जो मेरा बॉन्ड था मत्स्य विभाग के साथ वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कैफे खाली कराने से 3 महीने पहले आपको जो है एडवांस नोटिस दिया जाएगा, आपको मछलियों के शिफ्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन की सोची समझी रणनीति थी। शुक्रवार को मेरे को नोटिस दिया गया, मेरे को कोर्ट जाने तक का टाइम नहीं मिला। मैं जब शनिवार को कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि शनिवार और इतवार कोर्ट बंद है और सोमवार को प्रशासन द्वारा ये कुकृत्य करा गया। इसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जो ये मेरा बॉन्ड था वर्ष 2019-20 में बना हुआ था और लगभग इसको 1 साल और 9 महीने हो चुके हैं, तो 1 साल और 9। आपने इसके लिए कितना लोन लिया था? मैंने इसके लिए लगभग 5 लाख रुपए तो ग्रामीण बैंक से पर्यटन विभाग की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मैंने ये लोन 5 लाख का पर्यटन विभाग से लिया था। साथ ही जो है जब शुरुआत हुई थी इसकी तो इनके द्वारा जो है मुझे ज़बरदस्ती जो है ये कैफे हाउस थोपा गया मेरे पे कि जो है आप चलाइए और उसके बाद जो है आपके साथ कितने स्थानीय युवक जो है रोजगार पा रहे थे? मेरे साथ अभी जो है 5 लोग डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्ट रूप से हम तमाम जितने भी ट्राउट की फार्मिंग कर रहे हैं सब लोगों से मछलियाँ लेके एक सेंटर डेवलप कर रखा था हमने, तो इसलिए जो है जो 5 जो है परमानेंट लोग हैं उनका रोजगार तो छिना ही, साथ में जो है उन स्थानीय लोगों का भी बुरा हुआ। अब कहाँ वो अपनी मछलियाँ ले जाके बेचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये कैफे हाउस दिया गया था कि बेरोजगारों को रोजगार देना। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया जी ने बाकायदा 5 वर्षों का एग्रीमेंट किया है और राजेंद्र सिंह बिष्ट नाम के लड़के को जो है जो एक शिक्षित बेरोजगार है उसके नाम पर कैफे हाउस 5 वर्ष का एग्रीमेंट कराया गया। उस लड़के ने हमारे साथ काम किया, राजेंद्र भंडारी के पार्टी के साथ काम किया, केवल द्वेषपूर्ण भावना की वजह से बीजेपी के प्रेशर में और जिलाधिकारी जी के निर्देश पे मत्स्य पालन के अधिकारी ने जो है आज वहाँ
लोगों के कैफे को ताला तोड़ करके सारा सामान बाहर फेंक करके और ऐसा उत्पीड़न लोगों के साथ किया जा रहा है, तो ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना का कॉन्सेप्ट है क्या? और आखिरी बीजेपी के इशारे पे बेरोजगारों के साथ अगर ऐसा बर्ताव होगा तो फिर रोजगार कहाँ से लोगों को मिलेगा? लोगों की भावनाओं पर क्या ठेस पहुँचेगी ये भी सरकार जानती है। और राजनीतिक द्वेष भाव के कारण तुम इस तरह से लोगों के एग्रीमेंट के कृपया हो उसको तहस नहस करेंगे और पुलिस बल के आधार पर ऐसा उत्पीड़न करेंगे तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा क्या? भाई 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लोगों ने लाखों रुपए वहाँ लोन ले रखा है, लोन की किस्तें लोगों ने अभी तक पूरी नहीं दे पाए हैं। वहाँ उन्होंने अपने मत्स्य पालन का टैंक बना रखा था, मछलियाँ वहाँ पड़ी हुई थी, सारा तहस नहस कर दिया है केवल बीजेपी के नेताओं के इशारे पे। 7-8 बच्चों को वहाँ रोजगार मिला हुआ था जो उसके भैया उसमें काम करते थे, मछलियाँ बनाते थे, चाय कॉफ़ी बनाते थे, जो भी वहाँ पर फास्ट फूड है उसका काम करते थे। तमाम पर्यटक वहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे। और इस तरह से एक पक्षी कार्रवाई करना ये न्याय संगत है क्या? हम इस चीज़ के खिलाफ़ सड़कों पर उतरेंगे, हम ईंट से ईंट बजाएंगे? और ये क्या समझते हैं भाजपा के लोग कि इन्होंने कार्रवाई कर दी तो हम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठ जाएंगे? हम अपने बेरोजगारों के साथ खड़े हैं और जिस तरह का इन्होंने एक बेरोजगार के साथ एक उत्पीड़न किया है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारी पार्टी हमारे नौजवान सब सरकार के ईंट से ईंट बजाएंगे और ये भी बताएंगे जिस अधिकारी के द्वारा जिन लोगों के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है और इस तरह से एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, हम इसका घोर विरोध करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच की जंग का सिलसिला जारी है जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भी हार मानने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है जिसका असर भारत में ही मिल रहा है। यूक्रेन में हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ छात्र छात्राओं ने वतन वापसी कर ली है लेकिन कुछ अभी यूक्रेन और उनके आसपास देशों में फंसे हैं। उत्तराखंड के बीच सैकड़ों छात्र छात्राएं MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। यूक्रेन से लौटने के बाद अब छात्र छात्राएं यूक्रेन और अपनी सुरक्षा के अनुभव साझा कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसी काशीपुर की छात्रा अंजुला सैफी ने भी यूक्रेन और अपने सुरक्षा के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि बार बार बमों की आवाज़ सुनाई देना खाने की कमी के साथ साथ सबसे कठिन और चुनौती भरा काम था। नहीं, हमें यूक्रेन में कोई सुविधा नहीं मिली, पर एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें सारी सुविधाएं मिली थी, पर बॉर्डर तक हमें सब कुछ चला लगभग मैं जिस बंकर में मैं थी वहाँ पे हम 100 के ग्राम थे अंदर और वहाँ की स्थिति तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है और हर वक्त शेलिंग की आवाज़ें बम की आवाज़ें कंटिन्यू आती हैं और हम लोग भी जब लाइन में लगे हुए थे खाने की तो हमें भी कंटिन्यू आ रही थी। नहीं, हमें ऐसा कुछ मुझे तो नहीं देखने मिला। ये जो वीडियोस वायरल ये सब पोलैंड बॉर्डर की थी तो फिर बाद में गवर्नमेंट सरकार ने हमें मना कर दिया था उस वाले बॉर्डर पर जाने के लिए, कहा था कि दूसरे बॉर्डर पर से जाओ। ठीक सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे मेरी बेटी आई है जिस तरह से मैं परेशान था, ऐसी हो सकता जो बच्चे वापस हैं उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके सारे बच्चे अपने अपने माँ बापों के पास पहुँच जाएँ और बेहतर तरीके से पहुँच जाएँ। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए 6 मई को खोल दिए जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पैदल मार्ग भीमबली से केदारनाथ धाम तक 3 से 5 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हैं जबकि पैदल मार्ग पूरी तरह बर्फ से ढका है। DDMA के 80 मजदूर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे हैं। वहीं बर्फ हटाए जाने के बाद ही पैदल मार्ग पर हुए नुकसान का सही अनुमान भी लगा पाएंगे। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉली ग्रांट के छात्र अतिरिक्त ट्यूशन फीस के विरोध में कल धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि छात्रों की आज से परीक्षा भी होनी है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से एक दिन पहले इंस्टीट्यूट द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर 23 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर फीस नहीं दी तो परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। वहीं इसके विरोध में कल सैकड़ों छात्र अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। जब समस्या हमारा जो एडमिशन हुए थे 2017 बैच के MBBS के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एडमिशन जो हुए थे वो HNBNU यूनिवर्सिटी के थ्रू हुए थे यहाँ पे, तो उसमें जो हमारी फ़ीस बताई गई थी वो 5 लाख रुपए करी गई थी, जो उत्तराखंड से बाहर के हैं। जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस 4 लाख रुपए थी, उसमें से 75 बच्चे उत्तराखंड के थे और 75 बच्चे उत्तराखंड से बाहर के थे जो कि नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट थे। इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो उत्तराखंड के 75 बच्चे थे जिनकी फ़ीस 4 लाख रुपए थी, इन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया। वो फ़ीस हमारी इन्होंने एकदम से 60 बच्चों को दे के हमारी फ़ीस 4.5 लाख रुपये लास्ट में मांगी। उसके बाद अब ये कह रहे हैं
कि जो तुम्हारा फीस हमने कॉलेज ने डिसाइड किया था हम वो लेंगे, उसका मार्जिन मनी का हमसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले चेक मांग रहे हैं कि मार्जिन मनी का चेक डिपॉजिट कीजिए, जबकि जो हमारा केस है इसका वो कोर्ट में अब भी लंबित है। कोर्ट ने इसमें अब तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि हमको इनको चेक देना है, हम चेक देने के लिए बाउंड नहीं हैं, ठीक है। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे एग्ज़ाम के समय को देखते हुए हमारा समय बर्बाद करा रहे हैं। कल हमारा एग्ज़ाम है, आज हमारा पूरा दिन इसमें निकल गया, ठीक है। पिछले 6 दिन से हमारा उत्पीड़न हो रहा है, बार बार कभी नोटिस किसी चीज़ का डाला जा रहा है, कभी किसी चीज़ का नोटिस डाला जा रहा है, ठीक है। अब पढ़ाई करें या इनके नोटिस झेलें। मेडिकल में हम आते हैं, हम सेवा करने के लिए आते हैं समाज की, ठीक है। अगर हमें 23-24 लाख रुपए ऐसे दे के हम मेडिकल में आएंगे तो हम क्या तो किसी की सेवा करेंगे, ठीक है। और फिर डॉक्टर को कहा जाता है कि डॉक्टर लूटता है। अरे लूटता कहाँ यार, हमारी जान आफत में आ चुकी है यहाँ पे। अगर आज हमारे लिए समाज खड़ा नहीं होगा तो कल हम किसी के लिए खड़े होने की हमसे अपेक्षा ना करें। एक डॉक्टर के पास आप आते हो तो डॉक्टर के पास आप ये उम्मीद लेके आते हो कि कल वो आपका इलाज करेगा, आपके पास पैसे है नहीं है वो आपकी मदद करेगा। तो आज हमारी मदद के लिए खड़े हो, आज हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर आज हम पैसे देते हमारा पूरा परिवार फेस करेगा उस चीज़ के लिए। कोई यहाँ पे किसान का बच्चा है, ठीक है, कोई का पापा टीचर है, 25,000-30,000 की नौकरी वाला आदमी 30 लाख कहाँ से दे और क्यों देगा और क्यों दे? हम पेपर, हमें पेपर नहीं देने दिए जा रहे। कोई बात नहीं, नहीं देंगे। 150 डॉक्टर कम बनेंगे। एक कोविड था जब हर कोई घर में बैठा था, हम लोग ड्यूटीज दे रहे थे, ठीक है। कल आप हमसे कैसे उम्मीद करोगे हम करेंगे? अगर आज हमारे लिए आप लोग खड़े नहीं होंगे तो कल हम किसी के लिए कैसे खड़े हो जाएं? अगर हम आज 30 लाख देते हैं मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है उस चीज़ के लिए। क्या दें, कहाँ से दें और क्यों दें? जब कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया तो इनको क्या हक है कि हमारे फ्यूचर के साथ ये खेलें? एडमिशन यहाँ पे MBBS में 2017 में हुआ था। हम लोग MBBS के छात्र हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट में। हमसे हमने जब एडमिशन लिया था तो हमने एक एफिडेविट भी साइन किया था जिसमें यह था कि अगर कोर्ट हमारी फ़ीस बढ़ाता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब फाइनल ईयर में हमसे ये बोला गया है कि हम 23 लाख रुपए का चेक ला के दें तभी हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठने दिया जाएगा। और कल ही हमारा एग्ज़ाम है और हम 144 स्टूडेंट्स को लिस्ट आ गई है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ कुछ ही बच्चे जिन्होंने चेक दे रखा 4 वो ही दे सकते हैं और हम नहीं दे सकते एग्ज़ाम। और हमसे ये भी बोला गया है कि जब तक हम चेक नहीं देंगे तब तक हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अगर बैठना भी है 6 महीने बाद भी बैठना है तो भी चेक दे के ही बैठना पड़ेगा। ये ट्यूशन फीस के लिए हमें मांगी जा रही है जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसका डेट अब 2 दिन बाद और हो चुका है। हमारा केस अभी पेंडिंग है, जो कि अभी पेंडिंग है। अभी केस हियरिंग चल रही है, कोई डिसीजन नहीं आया है। ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। लेकिन हम इतनी जल्दी नोटिस में हम 23 लाख रुपये का चेक नहीं ला सकते हैं और हम वैसे भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हम 5 लाख वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आए थे। हमने जब एडमिशन लिया था तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख रुपए आपकी फ़ीस है, इसीलिए हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे। कि और ये मामला हमारा 2017 से ही कोर्ट में, ये 2017 से ही हमारा कोर्ट में है। तब से अभी तक कोई भी डिसीजन इस पे ये नहीं आया कि बच्चों को इतनी फ़ीस देनी है या नहीं देनी है, ये पेंडिंग ही चल रहा है। तो जब अगर ये ऑर्डर आता है कि फ़ीस बढ़ जाएगी तो हम वो बढ़ी हुई फ़ीस देने के लिए तैयार है क्योंकि हमने एफिडेविट साइन किया है। लेकिन अभी जब ऑर्डर नहीं आया है तो हमें, अभी 3 साल तो आपने बिल्कुल भी नहीं रोका हमें एग्ज़ाम देने से, या जो 5 लाख की फ़ीस देने से हमें नहीं रोका। तो हम जब फाइनल ईयर में आ गए हैं, जब हमारा फाइनल स्टेज आ गया है, हमें नीट पीजी का एग्ज़ाम देना है 1 साल बाद, तो आप हमें ये कह रहे हैं कि आप 23 लाख रुपए का चेक ला के दें? हम इतने हमारे पास पैसे नहीं है हमारे माँ बाप के पास कि हम 23 लाख रुपए आपको ला के दें। और जिनके पास है भी है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। 44 स्टूडेंट्स हैं हम लोग जी। ये एक सालाना 5 लाख फीस थी जो इस साल की भी हमने जमा कर दी है। सभी बच्चों ने यहाँ जितने भी बैठे हैं 5 लाख फीस जमा कर दी और 16 लाख रुपए फीस भी दे, 16 हज़ार भी दे दी है जो कि हमारी एग्जामिनेशन फीस है, वो भी इन्होंने ले ली है। हमारे पास सब चीज़ का प्रूफ है। कल है एग्जाम मेडिसिन का पहला। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही में हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि 8 साल पहले
गौरव पाल के भाई पप्पू पाल की हत्या विजय पाल नाम के शख्स द्वारा की गई थी। हत्या के कुछ दिनों बाद विजय पाल की मौत हो गई थी, लेकिन तब से गौरव पाल अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था। गौरव विजय पाल के दोनों भाई संजय और नितिन पाल से रंजिश रखे हुए था। इसी के चलते रविवार देर शाम को संजय पाल अपने भाई नितिन पाल और बहनोई के साथ रुद्रपुर स्थित आहूजा धर्मशाला में शादी समारोह में शामिल होने आया। इस दौरान लड़की पक्ष की ओर से गौरव पाल भी शादी में आया था। इस दौरान पुरानी बात को लेकर गौरव पाल और संजय पाल में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गौरव पाल ने अपने रिश्तेदार विक्की पाल और अन्य लोगों को बुलाकर संजय पाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से ही पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं सोमवार को पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी गौरव पाल और विक्की पाल को शिवनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि भाई की हत्या का बदला लेने को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। देखिए, यहाँ रुद्रपुर में कल एक शादी समारोह था और उसी में दो पुरानी रंजिश से रिलेटेड जो है पार्टियाँ, एक दूल्हा पक्ष की तरफ से और एक जो लड़की पक्ष की तरफ से आए। उसमें जो संजय नाम का लड़का था, उसके भाई ने कहीं पूर्व में जो अभियुक्त है उसके भाई की हत्या करी हुई थी। ये पुरानी रंजिश को देखते हुए जो गौरव है उसने संजय की कल हत्या कर दी अपने दोस्त विजय के साथ मिलके और वहाँ से फरार हो गया, जिसको पुलिस टीम द्वारा अभी अरेस्ट कर लिया गया है और आला कतल इसमें बरामद कर लिया गया है। गदरपुर प्रेस क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गदरपुर क्षेत्र में विभिन्न विभागों में काम करने वाली 5 महिलाओं को सम्मानित किया है। इस मौके पर गदरपुर थाना से सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत, महिला लेखपाल मंजू, स्टेट बैंक से सुप्रिया वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर मोनिका चौधरी और किरण विनायक को गदरपुर प्रेस क्लब ने सम्मानित किया। गदरपुर थाने की सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र में महिला हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं, जिसकी मुख्य वजह शिक्षा और लड़कियों का पैरों पर खड़ा ना होना है। इसलिए क्षेत्रों के लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब गदरपुर ने हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम प्रेस क्लब गदरपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो भी हमारी बच्चियां हैं आगे समाज में उनको अच्छी दिशा देने के लिए आपको भी और हमको भी सबको मिलके काम करना है। और जो हमारी जॉब है, जॉब के रिलेटिव सभी तरह के अपराध हमारे इसमें देखने को भी मिलते हैं, आते भी हैं, तो उसमें सामंजस्य बनाने के लिए हर एक की परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए जो उचित निर्णय होता है तो वो निर्णय लिया जाता है उनके भविष्य के लिए जो उचित होता है। सरोवर नगरी नैनीताल में श्रीराम सेवक सभा संस्था के तत्वाधान में 26वें फागोत्सव की धूम महिलाओं के होली जुलूस के साथ शुरू हो गई। नैनीताल में तमाम महिला संगठनों ने अपनी अपनी टीमों के साथ होली जुलूस निकाला, साथ ही सड़कों पर होली गायन का नृत्य का भी आयोजन किया। इस दौरान तल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह ने होली जुलूस में सभी महिलाओं का स्वागत और अभिनंदन किया। आपको बता दें कि महिलाओं के दल तल्लीताल वैष्णव मंदिर पर एकत्रित हुए, वहां से तल्लीताल बाजार होते हुए माल रोड और बड़ा बाजार मल्लीताल होते हुए श्रीराम सेवक सभा मैदान में पहुंचे। विगत कई समय से टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ पहाड़ अभियान मुहिम का 37वां सप्ताह कमलेश्वर महादेव के मंदिर में चलाया गया, जिसमें कि मंदिर के महंत आशुतोष पुरी अपना विशेष सहयोग देने के लिए टीम के साथ उपस्थित थे। उन्होंने इस अभियान की सराहना की और टीम को अपना आशीर्वाद देते हुए अपने विचारों द्वारा टीम का मार्गदर्शन किया और आने वाले समय में अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कही। देखिए, जो आपने प्रश्न कराए बहुत ही पहले से जो है इस प्रकार के जो है क्रांति से जो है हमारा गढ़वाल ये गुजर रहा है। यहाँ पे क्या है कि अधिकांश मठ मंदिरों में बहुत गंदा किया जाता है, और मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, सारे यात्री लोग नहीं चलाते गाड़ी को, तो उसी प्रकार से मठ मंदिरों में जो पूजा का कार्य है वो महंत या पुजारी या पंडित लोग वो करते हैं। तो जो सामान भक्त लोग लाते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने दिए जला दिए, जगह जगह तेल भी जला दिया। अगर वो उतना ना ला के आधा भी लाएं और वो आधा मंदिर के पुजारी को दे दें कि भाई आप जलाते रहें, क्योंकि यहाँ पे अखंड दीपक हमेशा जलता है। और जो है तो ये जो फालतू इधर उधर जलाने के उससे है, एक बचत होगी उसमें, पैसे की बचत होगी और सफाई बहुत वो है और प्रदूषण बहुत हो रहा है और इतना उत्पादन नहीं है जितना जो है यहाँ पर जो है जरूरत की है। यहाँ तो जितना भी अधिकांश मंदिरों में घी आता है, तेल आता है, अधिकांश जो है वो लोग सब नकली होता है। और हम ये कहते हैं कि देखिए, पूजा का घी अलग है और जो है खाने का घी अलग है, ये कड़वी सच्चाई है। तो भगवान को भी वही अर्पित करना चाहिए जो हम स्वयं खाते हैं। तो भगवान के लिए यानी कि सस्ते वाला हो या
वो सस्ते के चक्कर में, सस्ता क्या होता है, वो सारी चर्बी या कुछ इस प्रकार के केमिकल होते हैं जो हमारे मठ मंदिरों की दीवारों को, जो पुरानी दीवारें हैं उनको भी नुकसान देते हैं, मूर्तियों को नुकसान देते हैं और श्वास की बीमारी का इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि जो भी अगर मान लीजिए आप मंदिर में मठ में कोई देना चाहते हैं कोई चीज़ को, तो आप उसे पुजारी को दीजिए और वो जो है उसके बदले कुछ 100 रुपये की कोई चीज़ आती है, प्रसाद आता है, तो उसमें से 20 रुपये का मंदिर में दीजिए, या तो सामान ला के दीजिए अच्छा, जिससे कि भगवान पे अच्छी चीज़, शुद्ध चीज़ जो है चढ़ सके, ना कि नकली चीज़। हमारी टीम सेना गढ़वाल कनेक्ट टीम ने अपना स्वच्छता का अभियान चलाया है, जो हमारा उद्देश्य है अपने शहर के आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखना है। और इस मुहिम में कुछ बदलाव करते हुए हमारी टीम ने मंदिर मठों का रुख किया है, जिसमें कि मंदिरों में जो पूजा होती है सुबह, उससे पहले जो स्वच्छता का कार्य किया जाता है उसमें भी हमारी टीम ने अपना सहयोग देना प्रारंभ कर दिया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने शहर के सारे मंदिर मठों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन बोर्ड लगाएंगे, जो कि आज हमने कमलेश्वर महामंदिर जो मंदिर है इसमें हमने 2 स्लोगन बोर्ड लगाए हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो श्रद्धालु मंदिर में आएंगे उनके बीच कहीं ना कहीं जागरूकता का काम करेंगे। और कुछ पुष्पों के हमने यहाँ पे कुछ गमले हमने यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें हमने कुछ पौधे लगाए हैं फूलों के, जो कहीं ना कहीं मंदिर के प्रांगण की जो सुंदरता है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और आगे भी हम इस प्रकार के अभियान स्वच्छता के प्रति इसको आगे भी हम चलाते रहेंगे। पौड़ी के विकास भवन सभागार में मंगलवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लिंग संवेदीकरण और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रही महिलाओं ने जानकारी देते हुए अपने समूह और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और कार्य के दौरान उनके समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया। तो यह है कि महिला तभी आगे बढ़ सकती है जब खुद से अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़े, और फैमिली का सपोर्ट होता है, लेकिन जब तक फैमिली का सपोर्ट भी क्या कर लेगा, अगर घर के बाहर तो हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं जा सकती हर जगह, वो सिर्फ यही देख सकती है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें खुद ही लड़ना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो पॉसिबल नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस यही रहा कि मेरी पेरेंट्स ने हमें मुझे यही बोला कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, जो हमने लड़ी भी और उसमें हम कामयाब भी हैं। वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं? वर्तमान में मैं जिला योजना और एक MSME की स्कीम है जिसके तहत मैंने 2 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, दोनों ही अप्रूव्ड हैं, दोनों ही वर्किंग हैं और बहुत जल्द हम उनको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे आफ्टर अप्रैल। नहीं है जो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हम इसको एक उसमें ले लेते हैं कि महत्वाकांक्षा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा को हम सशक्तिकरण मानने लगते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमको बहुत सोच समझ करके जो है अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने जो हमारी जो आगे बढ़ने के लिए जो हमारी वो है गति है उसको ना रोका जाए, इसके लिए हमको मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि महिला सशक्तिकरण तब है कि जब हम आत्मनिर्भर होंगे, महिला सशक्तिकरण तब है कि जब हम अपने निर्णय अपने हिसाब से ले सकेंगे। ये और छोटी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी बातों में ना उलझें, बहुत छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं घरों की या आसपास, या ये सोच करके कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है उसको सोच करके उसमें क्यों हम अपनी ऊर्जा व्यय करें, ये ऊर्जा का शरण ये इस तरह से नहीं होना चाहिए बल्कि उसको। ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान का संचालन करने वाला व्यक्ति अन्य दुकानदारों के करीब 13 लाख रुपए के जेवर और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि चकजोगी छिद्रवाला में धनवी ज्वेलर्स के स्वामी ऋषि सोनी ने अमित वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ऋषि सोनी ने बताया कि आरोपित अमित की श्यामपुर में कृष्णा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। अमित को वो और अन्य दुकानदार पिछले 6 महीने से जानते हैं। वो व्यक्ति अपनी दुकान से ग्राहक को दिखाने के लिए सोने का सामान लेकर जाता था और समय वापस भी कर देता था। उन्होंने बताया कि अमित ने बीते शुक्रवार की शाम उनकी दुकान से 15 ग्राम सोने का सामान लिया और ग्राहक को दिखाने के बहाने ले गया, जिसके बाद वो लौट कर नहीं आया। जानकारी लेने पर पता चला कि वो आसपास स्थित दुकानदारों से भी 20, 30, 50 और 100 ग्राम सोने का सामान लेकर गया है। साथ ही आरोपी के दोनों नंबर भी स्विच ऑफ है। वन अनुसंधान केंद्र समय समय पर तरह तरह के रिसर्च और शोध कार्य करता है। मई हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित वन अनुसंधान संस्थान अब एक नए योजना पर कार्य कर रहा है। उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान ने पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी पर आधारित नर्सरी तैयार की है। देखिए, इस वन अनुसंधान केंद्र में एक नया शोध कार्य हम करने जा रहे हैं।
जिसमें हमने हाइड्रोपोनिक पद्धति से पौधे उगाने का काम किया है। अभी तक ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम सब्जी उगाने के लिए लोग करते थे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज करती थी। हमने यहाँ पे जो हर्बल प्लांट्स हैं जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, कासनी है, इसबगोल है, पुदीना है, मिंट है, इस पर कार्रवाई स्टार्ट की है। इन पौधों को यहाँ पर उगा के फिर हम आम जनमानस को भी उपलब्ध करा सकते हैं और अगर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है तो प्रोसेसिंग करके इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सर अभी कितने पौधे हैं, कितने स्लॉट में आप एक स्लॉट में कितने पौधे लगा रहे हैं? अभी तो हमने एक स्टार्टिंग किया है, पहले स्लॉट में हमारे इसमें 250 पौधे भी हम लगा रहे हैं और जैसे जैसे ये तैयार हो जाएंगे 15-20-25 दिन में तैयार हो गए, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पर नया प्रोपोगेशन करेंगे ताकि मास प्रोपोगेशन हमारा चलता रहे। सर वन अनुसंधान केंद्र में पहली बार इसका प्रयोग किया गया है? ये वन अनुसंधान केंद्र नहीं, पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उत्तराखंड में पहली बार हमारा प्रयोग किया है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे की संभावना तलाशी जाएगी। उत्तर प्रदेश मेरठ के थाना खरखो नंदा क्षेत्रांगर पंपोड़ा गांव इन दोनों काफी चर्चाओं में है, जहां सेना के रिटायर्ड सूबेदार के एक बैल के मर जाने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं हवन रसम पगड़ी और ब्राह्मण भोज परंपरा गत तरीके से आयोजित की गई। पंपोड़ा गांव के निवासी रिटायर्ड सूबेदार वीर सिंह भड़ाना ने बताया कि वर्ष 2000 में पुलिस ने मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान काटने के लिए ले जा रहे गौवंश से भारी एक गाड़ी को पकड़ा था, जिसमें शामिल आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था, जबकि गाड़ी में लदे एक 3 वर्षीय बैल गौवंश को उनके बेटे के आग्रह पर उसे दे दिया गया, जिसको लेकर वो घर आ गया। सूबेदार के परिवार ने 3 वर्षीय बैल का नाम उसके शांत व्यवहार को देखते और परिवार के साथ एक सदस्य की तरह रहने के चलते भगत रख दिया। तब से ये बैल पूरे गाँव और जिले में भगत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बताया जाता है कि उक्त बैल के साथ बच्चे खेलते थे, लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बीते 23 फरवरी को अपनी आयु 25 वर्ष 3 महीने पूरी करने के बाद भगत बैल ने अंतिम सांस लेकर शरीर त्याग दिया, जिसे सूबेदार के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। सूबेदार के परिवार ने भगत बैल और परंपरागत तरीके से अपने ही खेत में भू समाधि दी। इतना ही नहीं, उन्होंने घर पर भगत बैल की आत्मा की शांति के लिए 13वीं करने के लिए हवन रसम पगड़ी ब्राह्मण भोज और शोक सभा भी आयोजित की, जिसमें गांव और जिले से सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर भगत बैल को श्रद्धांजलि दी। मेरा नाम अरुण है, मैं गांव फकुंडा का रहने वाला हूं। आज मैं बैल भगत जी की 13वीं में रसम भोज करना। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, सन ऑफ देवकरण, ग्राम फकुंडा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ बैल, हमारा जो बैल है, ये बैल गुजरा है भगत जी, इसकी 13वीं खाना खाने आया उसका समथिंग 2000 के करीब पुलिस सुबह ने ये पकड़े थे, ये कटने के लिए जा रहे थे। ये सबसे कम आयु के ये दो बैल थे जो हमारे पुत्र को पुलिस वालों ने दे दिए और जब से ये हमारे परिवार में एक परिवार का सदस्य के रूप में हो गया और बहुत ही आज तक इसका जब से आया है हमें बहुत खुशी के साथ हम दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की करते चले गए। हमारे मन में तभी से ये आया कि जब तक ये बैल जीवित रहेगा अपने घर रखेंगे और मरने के बाद इसकी देहर भी करेंगे, ये तभी संकल्प मन में आ गया था और तब से हमें आज तक बहुत कुछ इससे प्राप्त हुआ है। ये हमारे पास आया था, इसकी समथिंग आयु जो है 3 वर्ष रही होगी और पुलिस ने हमारे बेटे को दिया था। मैं उस समय सेना में सेवारत था और मैं 2007 जनवरी में 26 साल 3 महीने नौकरी करके सूबेदार से NSG कमांडो से रिटायर हुआ। पशुपालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पशुपालक हैं वे अपने पशुओं को अपने बच्चों की तरह प्रेम से पालें और यदि वे बुजुर्ग या गर्भावस्था में नहीं रहते हैं उनको आवारा सड़कों पर ना छोड़ें। मेरा ये सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को अपने पास रखें, यही अति उत्तम होगा। महिला सशक्तिकरण दिवस के मौके पर कल नैनीताल पुलिस ने महिलाओं के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। नैनीताल पुलिस ने कल 147 खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए हैं। हल्द्वानी के बहुउद्देश्य भवन में नैनीताल SSP पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल फोन फरवरी महीने के खोए हुए हैं, जिसको सर्विलांस पर लगाया गया था और इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला सशक्तिकरण दिवस के मौके पर कल महिलाओं को उनके खोए फोन वापस लौटाए गए हैं। पुलिस द्वारा इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ये टोटल जो है 137 मोबाइल फरवरी माह में रिकवर किए गए, इनकी कॉस्ट 15 लाख रुपए है। विगत माह भी हम लोगों ने आपका लगभग 24 लाख के मोबाइल रिकवर किए थे और हमारी टीम द्वारा इस पर जो अच्छा कार्य किया जा रहा है उस पर 5000 रुपये का मेरे द्वारा कैश रिवार्ड उनको दिया जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।
है बेखौफ उम्मीद का रंग। ये है मेरा उत्तराखंड।